पार्क व्हील्स आज़ादी ऑटो शो और मुझे कहते हैं अमरीन हाला। और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस इवेंट के मीडिया, रेडियो मीडिया पार्टनर्स जो है वो हम हैं। और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द बहुत प्यारी प्यारी सी गाड़ियाँ मौजूद हैं। और अभी हम आगे जाते हैं, आपको टूर कराते हैं। ये कुछ गाड़ियाँ हैं, इनके बारे में जानते हैं क्या है, कैसी हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं गाड़ियों में, तो उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ियाँ एक्चुअल में है क्या। लेट्स गो। ओके, सो मेरे साथ यहाँ फरहान साहब मौजूद है जो कि पार्क व्हील्स के मार्केटिंग मैनेजर हैं और उनके साथ यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ। इनसे भी पूछते हैं कौन सी गाड़ियाँ हैं और इस इवेंट के बारे में मजीद ये क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फरहान, यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मेन अट्रैक्शन है? तो इधर जो है हमारी जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जैसे हम इधर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पोर्शे 911 है और ये नॉन टर्बो है, एनए है, लास्ट वन टू बी प्रोड्यूस्ड। और इधर यहाँ आपको मिल जाएगी मस्टैंग हेमी और ये 5 लीटर इंजन के साथ है, जैगुआर है, इसके अलावा जो एक्यूरा है ये कनाडा से इधर आई है चल के, और मर्सिडीज़ है, हाँ जी बाय रोड आई है। और उसके ऊपर वो सारा बताया भी हुआ है कि कैसे ट्रैवल किया है, किधर किधर से ट्रैवल करके आई है। तो ये बेसिकली होंडा की वो होती है, ये फोर्ड शेल्बी है और ये शेल्बी ने मॉडिफाई किया हुआ है, फोर्ड की रैप्टर गाड़ी होती है F-150, उसको मॉडिफाई किया हुआ है शेल्बी ने। और इसकी जो 700 हॉर्स पावर है पाकिस्तान में, 700 और ये निसान 350Z है। और इसके अलावा ये पॉन्टियक ट्रांसएम है, इसकी एक सीरीज भी आती थी 80s में, काफ़ी मशहूर होती थी, तो उसमें ये फीचर होती थी। ये भी इसके अंदर स्वाप हुआ हुआ है और आई थिंक 6000cc इंजन डला हुआ है, तो ये बड़ी लेगेसी इस कार की है। तो हाँ, ये क्लासिक रोल्स रॉयस भी आई हुई है और ये हमारे एक पार्क व्हील्स के मेंबर हैं उनकी है। और भी काफ़ी क्लासिक कार की कलेक्शन है, एस क्लास है मर्सिडीज़ की, जो सबकी एक पसंद होती है। ये कस्टम कार बनी हुई है, निशल डी एक एनिमे सीरीज है, उससे इंस्पायर होके इन्होंने एक वर्ड टू वर्ड उसकी हीरो कार बनाई हुई है। एग्जैक्टली, मुझे ये ऐसा लग रहा था कि कहीं देखी है मैंने। हाँ, तो एनिमे में आती है, जापानीज एनिमे की काफी मशहूर सीरीज है। थैंक यू सो मच फरहान फॉर शेयरिंग योर व्यूज। ओके, सो मैंने बहुत एंजॉय किया और आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने भी इस वीडियो को, सिंस यहाँ पर अभी बहुत सारी एक्टिविटीज बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज़ादी का जज्बा इस वक्त कराची पूरे जोरों शोर से, रूम रूम के शोर से मना रहा है। सो आपसे मिलते हैं अगली बार, अल्लाह हाफिज़। This is Mira FM 107.4.